हाय दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की जय श्री राम। आप सभी लोगों का क्रिकेट टॉक मिश्रा जी में स्वागत है। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। आज बात करेंगे इंडिया से इंग्लैंड के जो फिफ्थ टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में खेला जाएगा, पहले दिन का मौसम का हाल कैसा होगा। देखिए उस टॉपिक बात करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब मैच चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरे अन्य तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द मिल सके। चलते टॉपिक को देखिए, जो पहले दिन का मौसम का हाल रहेगा, बहुत ही डरावने वाला मौसम का हाल है। और लोकल टाइम के हिसाब से 11 बजे मैच स्टार्ट होता है, वहां के हिसाब से यहाँ 3:30 बजे होते हैं। तो 11 बजे लाइट रेन है, 12 बजे भी लाइट रेन है, और 1 बजे सावर की संभावना है, 2 बजे भी सावर की संभावना है। वहां के हिसाब से 3 और 4 बजे करीब पार्थिक क्लाउड रहने की संभावना। फिर इसके बाद 5 बजे फिर से वही लाइट रेन की संभावना, 6 बजे भी लाइट रेन की संभावना है, और 7 बजे भी है। उसके बाद पार्थली क्लाउडी रहेगा, पार्थली थोड़ा क्लाउडी रहेगा, थोड़ा मतलब कि हल्का सा मतलब कि रोशनी भी रहेगी, धूप भी थोड़ी खिली रहेगी। तो 7 बजे के बाद ही संभावना 10 आ रही है। लेकिन ऑल ओवर डे देखा जाए तो मतलब कि मौसम अच्छा रहने वाला नहीं है, और बरसात की संभावना है 60% शो हो रही है। तो 60% मतलब कि बरसात संभावना है, लेकिन फिर भी आई होप कि आई होप मैच हो, ऐसा हो, क्योंकि कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है उसके हिसाब से यही है कि वहाँ का वेदर बहुत ही खराब है, और मतलब कि 60% रेन की संभावना वहाँ पर है। तो आई होप ऐसा ना हो, पूरा मैच हम लोग को देखने को मिले और पूरा मैच हो, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब मैच, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट मिनट तक। आप लोग सभी लोग जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने समाज का ख्याल रखिए, अलग पॉजिटिव सोचिए, अलग पॉजिटिव कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मिनट तक। जय श्री राम। बाय, टेक केयर।